Hi everyone, this is me Jolly Yadav. Welcome back to our channel Reality 360 Degree. So guys, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं. द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज गुलशन डायनेस्टी, जो कि नोएडा के सेक्टर 144 में सिचुएटेड है. ये जो प्रोजेक्ट है, ये कई लोगों के लिए एज अ ड्रीम प्रोजेक्ट है. बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस सेगमेंट का प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी जेंट्री के लोग रहने वाले हैं. तो हम प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करें. उससे पहले मैं आपको इस लोकेशन से आपको कनेक्टिविटी कैसे मिलती है वो बता देती हूँ. तो ये जो प्रोजेक्ट है, इससे नोएडा एक्सप्रेसवे अराउंड 5 मिनट्स की दूरी पर रहेगा. कालिंदी कुंज अराउंड आपके 20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. डीएनडी फ्लाईओवर अराउंड 18 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा एंड परी चौक अराउंड आपको 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर मिल जाता है. उसके साथ साथ इस एरिया की मेट्रो से भी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यहाँ पर आपको पास में ही एक ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन भी मिल जाता है. गई सेक्टर 144 की बात की जाए तो ये बेसिकली एक लो राइज सेक्टर है एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम लैंड है वो लो राइज प्रॉपर्टीज़ को अलॉट की गई है. उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लैंड हाई राइज प्रोजेक्ट्स के लिए है एंड बाकी की बची हुई लैंड यहाँ पर उस पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड आपके बिजनेस हब्स बने रहेंगे. अगर मैं नियर बाय में बात करूँ तो सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस आने वाला है. अपकमिंग ऑफिस यहाँ पे बनने वाला है जो कि आपका 60,000 स्क्वायर मीटर के साइज में रहेगा. दैट मीन्स बिजनेस हब्स इस एरिया से आपको बहुत ही नज़दीक मिल जाते हैं. सो बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए सेक्टर 144 की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. उनके लिए अगर ट्रैवलिंग टाइम की भी हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि मेजर बिजनेस हब्स नोएडा के सब इस लोकेशन से बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हैं. उसके अलावा एक और मेन चीज़ है, जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है वो आपका सेक्टर 144 में प्रपोज है. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी मेजर USP ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ऑक्सीजन बिजनेस पार्क इज इन 144. देन DLF का एक प्रोजेक्ट भी इसी सेक्टर में आने वाला है. देन DLF का डेटा सेंटर भी इसी सेक्टर में प्रपोज्ड है. उसके अलावा मेजर यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, ये सभी भी आपके 15 मिनट्स के रेडियस में ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेंगे. सो गाइज, ये तो थी बात लोकेशन की और यहाँ से आपको कनेक्टिविटी कैसी मिल रही है. बेसिकली अगर हम किसी प्रोजेक्ट को प्रीमियम प्रोजेक्ट बोलते हैं तो उसको हम दो वजह से बोलते हैं. एक होती है उसकी लोकेशन, कि वहाँ से आपकी लोकेशन आपको कैसी मिल रही है, उस एरिया से आपको कनेक्टिविटी कैसे मिल रही है. क्योंकि किसी भी ऑफ लोकेशन पे आप कितना भी ग्रैंड प्रोजेक्ट ले आओ बट उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है. सो लोकेशन इज़ अ वेरी मेजर पॉइंट जब हम किसी एक प्रोजेक्ट को लग्जरी सेगमेंट में कैटेगराइज करते हैं. उसके अलावा दूसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा. तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है गुलशन डायनेस्टी, ये आपका 5.8 एकर्स के लैंड पैच में बना हुआ है. सो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 टावर्स रहेंगे जिनकी हाइट रहेगी 34 फ्लोर्स. एंड अगर एक फ्लोर की बात की जाए तो एक फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ आपके 2 अपार्टमेंट रहेंगे, यानी कि पर फ्लोर सिर्फ 2 फैमिलीज रहेंगी एंड उनके लिए आपके पास लिफ्ट की सर्विस अवेलेबल रहेगी. सो फॉर 2 अपार्टमेंट्स यहाँ पर फ्लोर आपकी 4 पैसेंजर लिफ्ट रहेंगी, 2 लगेज लिफ्ट रहेंगी एंड 1 सर्विस लिफ्ट रहेगी. पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 198 अपार्टमेंट्स हैं एंड 6 ड्यूप्लेक्सेस हैं. प्लस अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो अपार्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस हैं एंड पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही इन्वेंट्री है, एक ही साइज अवेलेबल है, विच इज 4700 स्क्वायर फीट ओनली एंड ये आपका 4 BHK का साइज रहेगा. सो 4 BHK में आपको 4700 स्क्वायर फीट का एक साइज मिल रहा है पूरे प्रोजेक्ट में. एंड यहाँ के सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो सब आपके स्मार्ट होम्स हैं. प्लस सोसाइटी में एक इन हाउस मेंटेनेंस ऐप है टू मेक द लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स इजियर. सो गाइज, दैट वॉज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. अगर इस प्रोजेक्ट की मैं अमेनिटीज की बात करती हूँ तो अमेनिटीज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिल जाती हैं. पूरे 5.8 एकर्स के प्रोजेक्ट में आपको 76% आपको ओपन एंड कंस्ट्रक्शन फ्री एरिया मिल जाता है जिसमें कि आपकी सारी अमेनिटीज रहेंगी. सो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर जितनी भी अमेनिटीज हैं वो सब भी आपकी एक वर्ल्ड क्लास लेवल की अमेनिटीज हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 2 लेवल क्लब हाउस मिल जाता है जिसमें आपको नंबर ऑफ अमेनिटीज मिल जाती हैं.
आपकी सारी amenities रहेंगी, jacuzzis यहाँ पर रहेंगे, spa sauna यहाँ पर रहेगा, swimming pool यहाँ पर मौजूद रहेगा जो कि temperature controlled रहेगा, उसके साथ साथ आपके cafeteria रहेगा, banquet hall रहेगा, indoor games में भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पर options मिल जाते हैं। उसके अलावा टेरेस एरिया पे भी आपका ओपन पार्टी लॉन प्रेजेंट रहेगा एंड उसके अलावा क्लब हाउस में आपकी मेडिकल फैसिलिटी भी इंक्लूडेड रहेगी एंड उसके अलावा एक मेजर अमेनिटी जो गुलशन डायनेस्टी में मिल रही है वो है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। सो गाइज, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है हम उसे अगर लग्जरी सेगमेंट में कैटेगराइज करते हैं तो उसे दो चीज़ों के बेसिस पर करते हैं। सबसे पहला है कि उसकी लोकेशन कैसी है, तो लोकेशन हम इस प्रोजेक्ट की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड सेकंड मेजर पॉइंट इज कि वहाँ पर लोग कितने रह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5.8 एकर्स में सिर्फ और सिर्फ 206 फैमिलीज ही रिसाइड करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। तो ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इन्हीं दो फैक्टर्स से हम एक प्रोजेक्ट को लग्जरी सेगमेंट में कैटेगराइज करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के अपार्टमेंट्स की। तो जितने भी आपके अपार्टमेंट्स रहेंगे सभी के सभी आपके वास्तु फ्रेंडली अपार्टमेंट्स हैं, प्लस उसके साथ साथ ये आपके फुली लोडेड अपार्टमेंट्स रहेंगे। यहाँ पर आपके अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो पूरे अपार्टमेंट्स में इम्पोर्टेड मार्बल यूज किए गए हैं, कंसील एलईडी लाइट्स इन सीलिंग्स इज इंक्लूडेड, क्लोजिंग ड्रॉअर्स एंड कैबिनेट्स, चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओटीजी, वॉशर क्रशर, वुडन फ्लोरिंग एंड प्रीमियम सैनिटरी फिक्स्चर्स, ये सब के सब आपके इंक्लूडेड रहेंगे। सो दैट मीन्स आपको सारे रूम्स में आपको वार्डरोब्स फिटेड मिलेंगी, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन आपकी इंक्लूडेड रहेगी एंड थ्रू आउट द अपार्टमेंट इम्पोर्टेड मार्बल्स यूज किए गए हैं। उसके अलावा सभी आपके अपार्टमेंट्स जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था वो आपके स्मार्ट होम्स रहेंगे एंड बेसिकली दे आर कॉन्टैक्टलेस सर्विस होम्स विच विल हैव सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट फॉर योर सर्विस पर्सनल्स। प्लस इन अपार्टमेंट्स में आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, सो आप अपनी नीड्स एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपार्टमेंट्स में कुछ चीजें कस्टमाइज भी करा सकते हैं। गुलशन डायनेस्टी इज प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग विच इज अफिलियेटेड बाय IGBC। सो गाइज, बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द बिल्डर ऑफ गुलशन डायनेस्टी हु इज गुलशन होम्स। सो बिल्डर की NCR में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रेप्यूटेड इमेज है। इन्होंने अभी तक 7 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं, प्लस कुछ उनके प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं। डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लस अगर मैं बिल्डर की बात करूं तो बिल्डर कुछ चीज़ों के लिए जाने जाते हैं जैसे कि ऑन टाइम डिलीवरी, इनके प्रोजेक्ट्स डिले नहीं होते हैं, प्लस बिल्डर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी और एक क्लीन इमेज है एंड इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी सबसे खासियत ये होती है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड फिनिशिंग इनके प्रोजेक्ट की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। प्रोजेक्ट बाहर से एंड अंदर से दोनों तरफ से बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बनाए जाते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है, एक मेजर पॉइंट हो जाता है। कंपेयर टू, अगर मैं इसको बाकी बिल्डर्स से कंपेयर करूँ तो इनके प्रोजेक्ट्स अलग ही शाइन करते हैं। सो गाइज, दैट वॉज दी ओवरव्यू ऑफ गुलशन डायनेस्टी। अभी हम यहाँ के एक सैम्पल अपार्टमेंट का टूर करेंगे, सो लेट्स बिगिन विद द टूर।
And guys, that was the beautiful sample apartment of this beautiful project, Gulshan Dynasty, premium range ka project hai. And now that we have come to the end of this video, agar aapko ye video pasand aayi hai, then hit the like button and also give your suggestions in the comment box below down. एंड उसके अलावा अगर हम अब जाते हुए इस प्रोजेक्ट की कुछ यूएसपीज, अगर हम इस प्रोजेक्ट को समराइज करें तो हम इस प्रोजेक्ट की कुछ यूएसपीज डिस्कस कर लेते हैं. सबसे मेजर पॉइंट ये है कि ये प्रोजेक्ट आपका नियर टू पोजेशन है एंड बहुत ही जल्द डिलीवर हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दिस. उसके अलावा इस प्रोजेक्ट की जो सबसे मेजर यूएसपी है वो ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही जेंट्री रहेगी. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 BHK अपार्टमेंट्स ही अवेलेबल हैं एंड जिसमें एक ही साइज है, सो यहाँ पर मिक्स्ड यूनिट्स नहीं है एंड पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक क्लास के या फिर कहें तो सिर्फ एक जेंट्री के लोग ही रहेंगे, विच मेक्स दिस प्रोजेक्ट वेरी एक्सक्लूसिव. प्लस यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड अमेनिटीज़ हैं, यहाँ पे पेट केयर सेंटर है एंड उसके अलावा काफ़ी सारी एक्सक्लूसिव अमेनिटीज़ मिलती हैं जो कि एक लग्जरी सेगमेंट में होती है. एंड अनदर मेजर पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि यहाँ पर आपको 3.5 किलोमीटर के रेडियस तक कोई भी हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. दैट मीन्स आपको आपके अपार्टमेंट से एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड ब्यूटिफुल व्यू मिलेगा. एंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट इज 8.5 crore only. So agar aap is project mein interested hain and if you want to visit this project, then please give us a call on the number displayed above. And with that, we have come to the end of this video. I'll see you in some other video. Till then, bye bye and take care.